तो मेरी जान ही निकल। क्या जानूं? तुम्हारी जान तो बात बात पर निकल जाती है। कहीं पर अगर हवा भी तेज चल रही होगी ना तो तुम डर के भागने लगोगी। एक बात बताओ, यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ मेरे अलावा और कौन हो सकता है? सिर्फ तुम, मैं और आज की ये आज नहीं, कल। हमारी एनिवर्सरी कल है। अरे जानू, माना के हमारी एनिवर्सरी कल है, लेकिन प्यार तो आज भी हो सकता है ना दीपेश। हाँ टोबिन, लोग प्यार करने की फुर्सत ही नहीं लेने देते। दीपेश, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, कोई भूत नहीं। साफ साफ बताओ तुम कौन हो। दीपेश, मुझे लगता है तुमने अभी से पैक चढ़ाना शुरू कर दिया है। देखो, तुम नशे से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूं प्रियंका। क्या हो गया तुम्हें? अरे लेकिन तुम बाहर कैसे जा सकती हो? तुम तो यहां अंदर मेरे साथ बैठी थी। दीपेश, रूम का इंटरकॉम खराब हो गया था, इसलिए जब तुम नहाने बाथरूम गए थे मैं एक दो मिनट के लिए रिसेप्शन गई थी कंप्लेन करने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम कंप्लेन करने के लिए नीचे गई थी तो फिर वो कौन थी जो यहाँ मेरे साथ बैठी थी? कौन है यहाँ? कौन था यहाँ? तुम ही तो थी। तुम यहाँ मेरे साथ बैठी थी और बातें कर रही थी मुझसे। दीपेश, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए हर जगह तुम्हें मैं ही दिखाई देती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डिनर करने के लिए नीचे चलेंगे। सुना है इस होटल का रेस्टोरेंट रानी गेट का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं भी आती क्या बात है दीपेश, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्रियंका, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होगा, बट आई स्वेयर वहां कमरे में तुम ही थी मेरे साथ में। लेकिन तुम तो यकीन करोगी नहीं। अब क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है, मैं अपना सेलफोन रूम में भूली हूँ। तुम यही रुको, मैं भी जाकर क्या जाओ। शायद प्रियंका ठीक ही कह रही है, मुझे ही कोई धोखा हुआ होगा। मैं भी ना कुछ भी सोचने लगता हूँ। ये लाइट चली। अरे भाई कोई है यहाँ पर? लाइट चली गई है। हेलो, अरे कोई वेटर है क्या? कौन है वहाँ? अरे कौन कौन है वहाँ? दीपेश, क्या बात है? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आया? प्रियंका, मैंने अभी यहाँ पर एक बहुत ही डरावनी औरत को देखा। दीपेश, यहाँ कोई नहीं है, क्या हो गया है तुम्हें? प्रियंका, मैं सच कह रहा हूँ, एक बहुत ही डरावनी औरत यहाँ पर खड़ी हुई थी। हाँ दीपेश, यहाँ कोई औरत नहीं है। प्रियंका, मानो या ना मानो, इस होटल में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। हम यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। दीपेश, अगर तुम्हें हवा में कोई औरत नजर आ रही है तो क्या हम ये होटल छोड़कर चले जाएंगे? देखो, अगर वाकई में यहाँ कोई औरत होती तो मुझे भी दिखाई देती। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे तो दिख रही है ना, हम इस होटल में बस एक मिनट भी और नहीं रुकेंगे और इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। तुम ऊपर जाओ और सामान पैक करो, मैं जाकर बिल पे कर देता हूँ। जाओ। दीपेश, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी, इस शहर में आज रात कोई कमरा नहीं मिलेगा।
पिछले साल भी तुमने ऐसे किया था। एनिवर्सरी के दिन इतना लेट आए थे कि एनिवर्सरी का दिन ही निकल चुका था। प्रियंका, एक्सक्यूज मी, आपकी भी एनिवर्सरी है जी? क्या आपकी भी एनिवर्सरी है? जी हाँ। कांग्रेट्स। थैंक यू। हाय, आई एम नैना और ये है मेरे पति। बाय द वे, आई एम प्रियंका एंड दिस इज माय हस्बैंड दीपेश। हेलो। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 2 साल। हमारी भी। अरे ये तो कमाल का इत्तेफाक है। अब व्हाई डोंट यू गाइस जॉइन अस? अब मैं अभी चेयर लेता हूं। या श्योर, बैठिए प्लीज। थैंक्स। थैंक यू। बात तो अजीब है लेकिन अच्छा लगा। वैसे आप लोग रुके कहाँ हैं? पास ही में एक कॉटेज है, रोजवुड कॉटेज। हम लोग वहीं ठहरे हैं। वैसे आप लोग कहाँ ठहरे हैं? जी फिलहाल तो हम लोग फिलहाल अनाथ हैं। मतलब हम जिस होटल में रुके थे वो किसी कारण हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब हम कहीं और कमरा ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं चलते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे कॉटेज में एक कमरा खाली पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां का ठहर सकते हैं। अजीत प्लीज थोड़ा आराम से चलाओ ना। हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं कुछ सोच रहा था। सॉरी अजीत, तुम प्लीज गाड़ी चलाओ लेकिन जरा आराम से चलाना। पीछे वो आदमी मदद मांग रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? कौन सा आदमी? अरे वहां पीछे। What is this, दिपेश? यहां पर तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अजीत मेरा यकीन करो, मैंने उस आदमी को यहीं देखा था, वो मदद मांग रहा था। रिलैक्स दिपेश, देखो यहां कोई नहीं है। अजीत आई एम रियली सॉरी, चलो चलते। ये कॉटेज? हाँ हम लोग इसी कॉटेज में ठहरे हैं। कम ऑन नैना। ये कैसी जगह है, हमें क्या यहां रहना होगा? कम ऑन दीपेश, तुम्हें तो हर चीज से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। प्रियंका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कह रहा था कि ये कॉटेज कितना 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 खूबसूरत है ना। अब इसमें तुम्हें क्या कमी नजर आ रही है? कमी तो प्रियंका, क्या हम वापस मुंबई नहीं जा सकते?
भेष, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं प्रियंका हूँ, तुम इस तरह से क्यों चिल्लाए? प्रियंका, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक। तुम ठीक हो तो अंदर चलो, वो लोग हमारा इंतजार करेंगे, चलो। अंदर? प्रियंका तुम एक काम करो ना, तुम अंदर चलो, मैं भी आता हूँ, सामान लेकर आता हूँ मैं। सामने क्यों नहीं आते? संधू, तुम? जी संधू, पहचाना साहब? तुम यहां क्या कर रहे हो? सामान बहुत भारी हो गया है, उठाने में मदद कर दूं? दीपेश, काफी देर हो चुकी है, अब सो जाओ। मैं भी सो रही हूँ। और हाँ, लाइट स्विच ऑफ कर देना, ओके? दीपेश, तुम सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तुम सो जाओ, मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगा। समझ नहीं आ रहा ये कैसे पॉसिबल है। संधू यहाँ, उसे तो कब का इस शहर से बाहर चले जाना चाहिए था, फिर वो वापस क्यों आया है? मुझे ही कुछ करना होगा। अभी खिड़की के बाहर उस आदमी को देखा, वहां। प्रियंका वहां मत जाओ। दीपेश, मैंने अपनी आंखों से वहां देखा, वहां कोई नहीं है। देखो, तुम जब से यहां आए हो ठीक से सोए नहीं हो, ये तुम्हारे दिमाग का वहम होगा और कुछ नहीं। प्रियंका, मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को वहां खिड़की के बाहर देखा। दीपेश रिलैक्स प्लीज, मैंने तुम्हारे सामने वहां देखा, वहां कोई नहीं है, तुम आराम करो, जाओ। अरे जरूर भाग गया होगा वो, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। जाओ तो आराम करो। अरे मुझे नहीं करना आराम, तुम्हें करना तो तुम जाकर आराम करो, लेकिन मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ कर रहूंगा। बोला, खड़े हो? जी सर। जी सर, क्या हुआ साहब, इतनी रात गए जाग रहा? कुछ चाहिए था क्या आपको? पहले ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी कोई काम करता है क्या? नहीं साहब, ये कॉटेज शहर से इतना अलग थलग पड़ता है कि इसको संभालने के लिए मैं भी बड़ी मुश्किल से राजी हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो भोला, कोई तो होगा यहाँ तुम्हारे अलावा, कोई और वॉचमैन, कोई रसोई या खाना बनाने वाला? जी नहीं साहब, यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ, अकेला। भोला,
याद करने की कोशिश करो। हाँ, एक लंबा चौड़ा डरावना सा आदमी, उसका एक दांत सोने का है, देखा ऐसा कोई आदमी? क्या साहब, आप तो डरा रहे हो साहब। अरे डरने की जरूरत नहीं है, जरा दिमाग पर जोर डालो, ऐसा कोई आदमी देखा या उसके बारे में सुना क्या? नहीं साहब, हमने ना ही ऐसा कोई आदमी देखा ना ही उसके बारे में सुना है। तो फिर संधु यहां कैसे आया और मैं इस शहर में वापस आया हूं, ये उसे कैसे पता? मुझे पता लगाना होगा। आखिरी बार जब मैं उससे मिला था तो वो होटल हिल टाउन में काम करता था, वहीं जाना होगा। अच्छा मौसम है ना? सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ही रोमांटिक मौसम है, और इस रोमांटिक मौसम में मेरा प्यार उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है। अच्छा। अरे दिपेश, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ा है यार? आज इतना बड़ा दिन है, आज हम चारों की शादी की सालगिरह है, मगर तू ऐसे खड़ा है जैसे कोई मर गया हो। क्या हुआ? वो अभी अभी इन्होंने कहा कि यहाँ कोई मर गया है। Come on, ये तो मजा कर रहा है, हाँ? यहाँ कौन मरा है? अच्छा चलो ना अभी, नहीं तो ये अच्छा खासा मौसम हमारा से निकल जाएगा। Come on प्रियंका। आज हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए, मगर ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। दिपेश तुम ठीक तो हो ना? ये अब भी तुम्हें कोई आदमी नजर आ रहा है? ये होटल, ये तो वही होटल है। गाड़ी रोको अजीत, गाड़ी रोको। यहाँ अब ये कौन सी जगह है घूमने की? वो घूमने की जगह नहीं, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। ताला लगाओ। यहां भी ताला। अब संधू का पता कैसे चलेगा? आओ भैया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है ये होटल बंद है, हैं? देखो मैं किसी को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ। तुम कौन हो? अरे हम यहाँ के केयर टेकर हैं। देखो मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम संधू है, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? संधू? हाँ याद करो। अरे तुम्हें याद करेगा कौन सा बात है? अरे हम जाने थे ना संधू को। अरे संधू यही होटल में काम करता रहा। संधू को तो ये होटल में काम छोड़ के करीब 1.5 साल हुई गवा। देखो तुम उसका पता जानते हो, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्रियंका, यहाँ दिपेश का कोई क्लाइंट रहता भी है या तुम्हें यूं ही बेवकूफ बनाकर चला गया? क्या मतलब? मतलब ये कि दिपेश का कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? हाँ, अब तुम तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती हो। अब ये बात तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी की हर बात बताता हो। सॉरी गाइस, मुझे देर हो गई। कहाँ रह गए थे तुम? चलो बताता हूँ। अरे छोड़ो ना प्रियंका, क्या तुम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बेचारा ने किसी का खून कर दिया हो। वाह,
हाँ मगर तुमसे ज्यादा नहीं। चलो मैं पानी फोड़ो कम स्टैंड है। ए, प्रियंका बहुत अच्छा लग रहा है ना इधर आके। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा तुमने वो देखा? वो देखो ग्रीन वैली, माय गॉड ये सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। रुको कूदना मत, तुम पागल हो या तुम्हारा दिमाग खराब है? यहां से गिर जाते तो मुझे मेरा गुनाह कबूल कर लेना चाहिए था। अब मेरा भी वही हाल होगा जो मैंने उन दोनों का किया था। क्या बात है, तुम्हें कुछ हो जाता था? यहां से चलो प्रियंका। दिपेश क्या हो गया तुम्हें? चलो यहां से चलो। दिपेश, दिपेश बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों? दिपेश मैं तुमसे बात करूं, बता मुझे प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझसे छुपाकर क्या फायदा? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मन करे तो बताना वरना। क्या बात, कहाँ जा रहे हो? वो मैं किसी से मिलने जा रहा हूं। दिपेश तुम मेरे साथ दो मिनट भी नहीं बैठे और अब अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं और जा रहे हो, कहीं तुम्हारा किसी और औरत के साथ? शट अप प्रियंका, एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूं, ऊपर से तुम अपनी बकवास करके मेरी इस परेशानी को और बढ़ा रही हो। तो बता क्यों नहीं देते मुझे अपनी प्रॉब्लम? हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम सुनकर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। बताओ दिपेश। ओके प्रियंका, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी राज की बात छुपा कर रखी है। क्या? बता दिपेश। पिछले साल हमारी एनिवर्सरी के दिन मैं इसी इलाके से गुजर रहा था, तब अचानक मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, और उस एक्सीडेंट में सामने वाली गाड़ी में बैठे दोनों लोगों की उसी वक्त मौत हो गई थी। और तब संधू नाम के एक आदमी ने उन दोनों डेड बॉडीज को छिपाने में मेरी मदद की थी। तुम्हें मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छिपानी चाहिए थी दिपेश। मैं जानता हूं प्रियंका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज जब मुझे अपनी उस गलती का पछतावा हो रहा है तो ये संधू नाम का आदमी मुझे बार बार आकर परेशान कर रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर चाहता क्या है। मैंने उसे 2,00,000 रुपए दिए थे इस काम के। हो सकता है उसे और पैसों की जरूरत हो,
ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये दूसरों की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे एक बार तो उसके साथ आमने सामने बैठकर बात करनी ही होगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सुनिए, क्या चाहिए तुम्हें? जी, क्या ये संधू का घर है? हाँ, संधू का ही घर है ये। और आप? मैं कुलवंत, पिता हूँ उसका। जी, क्या हम संधू से मिल सकते हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें एक बुजुर्ग से ऐसा भद्दा मजाक करते हुए? संधू को गुजरे हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, वो तुमसे कैसे मिल सकता है? संधू की मौत हो चुकी है, लेकिन कब, कैसे? एक रात वो कहीं से 2 लाख रुपए लेकर आया और उसके बाद वो 2 दिन भी सुखी नहीं रह सका। हमेशा परेशान रहता था और फिर हमारे घर के बाहर उसकी उसकी निचली हुई पानी में लाश, मैं समझ रहा था किसी ने पानी में डूबो कर मेरे बच्चे को मार डाला। दिपेश, संधू मर चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर संधू मर चुका है तो फिर वो कौन था जो मुझे कॉटेज में आकर मिला था? दिपेश, हो सकता है तुम्हारा कोई वहम हो। नहीं प्रियंका, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह से पता है, जिसे मैंने कॉटेज में देखा था वो संधू था। अगर संधू मर चुका है तो चलो यहां से जल्दी चलो। यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? हो सकता है वो लोग सो गए हो। ये तो बहुत ही अच्छा है प्रियंका, एक काम करते हैं, इससे पहले कि कोई जाग जाए हम लोग चलकर अपना सामान पैक करते हैं और यहाँ से चलते हैं। चलो। सरप्राइज! भाई, इतना हैरान होकर क्यों देख रहे हो? आज हम लोगों की भी एनिवर्सरी है, इसीलिए तो केक काटने के लिए हम दोनों आप दोनों का इंतजार कर रहे थे। थैंक्स, वो दरअसल हम दोनों बाहर कुछ देर के लिए टहलने के लिए गए थे। वैसे केक बहुत अच्छा है, तो चलो ना ये अच्छा सा केक को काट भी देते हैं। प्रियंका, आई एम नॉट फीलिंग अप टू इट। एक काम कीजिए, आप लोग चलकर केक काटिए, मैं बाद में आता हूँ। दिपेश, केक काटने के लिए कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी, पहले केक काट लो फिर चाय कहीं चले जाना। काम दिपेश, चलो ना पहले केक काट लेते हैं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से, चलो प्रियंका। लेकिन क्या हुआ दिपेश, अचानक मुंबई जाने की बात? नहीं, एक्चुअली दिपेश की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आई है, उसी के लिए जाना है। तुम कुछ भी कर लो, तुम सुबह से पहले यहाँ से निकल नहीं पाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी एक्सीडेंट हुआ, मुझे अगर मुंबई अभी जाना है तो बस अभी जाना है। चलो प्रियंका। ये लाइट क्यों चली गई? दिपेश, घबराने की कोई बात नहीं, छोटा शहर है, अक्सर लाइट चली जाती है, नॉर्मल लोड शेडिंग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मुंबई अभी जाऊंगा। अरे लाइट आने तक तो इंतजार करो। चलो एक काम करते हैं, जब तक लाइट नहीं आती ना हम लोग ब्लैंक चिट खेल लेते हैं। यानी तुम आत्मा को बुलाओगे? हाँ, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है भाई, टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो क्यों ना यही सही। तो फिर चलो चलते हैं। हाँ, ज्यादा बात नहीं करते हैं। क्यों प्रियंका, शुरू करते हैं?
नहीं नहीं, इन सब से मुझे बहुत डर लगता है। Come on, दिपेश, अगर तुम ऐसे डरोगे ना तो तुम्हारी बची कुची जिंदगी भी बेकार हो जाएगी। Be a brave man. चलो नैना, टेबल लगाने में मेरी मदद करो। मिलने आए हम तुम्हारा आह्वान करते हैं, आओ 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 आओ। दो आत्माएं? पूछो, जो सवाल पूछना है जल्दी पूछो। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम पूछो। प्रियंका कम ऑन, जल्दी पूछो। ये मेरे पति दीपेश है, ये कब तक जिएंगे? January 16, 2007। यानी कि आज? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब बकवास बातें हैं, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। लेकिन क्यों होगी इनकी मौत? क्यों? सेन, यानी कि पाप। इसका मतलब दीपेश की मौत उसके किसी पाप की सजा है। कैसे होगी इनकी मौत? ये क्या बकवास है? कुछ नहीं होगा मुझे, तुम चिंता मत करो प्रियंका, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसा कोई पाप आप नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूं प्रियंका। सुनो तुम दोनों भी कान खोलकर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है प्रियंका। प्रियंका, पेश आखिर क्या बात है? क्या कभी तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है? मुझे लग रहा है कोई तो बात जरूर होगी, नहीं तो प्रियंका इससे नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। अब मैं देख के आती हूँ। Come on, दिपेश। दिपेश, तुम मुझे बता सकते हो क्या कभी तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है? Come on, दिपेश, tell me. दिपेश, speak up. हाँ। What? आज से एक साल पहले मेरे हाथ में एक कार एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे में दो लोगों की जान चली गई थी। गलती मेरी थी, अपनी जान बचाने के लिए मैं उन दोनों की जान ले बैठा। और मैंने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। नशे की हालत में जो दिमाग में आया वो कर दिया, और आज एक साल बाद ये सब बातें प्रियंका को भी मालूम है। तुम फिक्र मत करो, प्रियंका सब कुछ धीरे धीरे भूल जाएगी। चलो प्लान चिट पूरी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि बुलाई हुई आत्माएं इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, मैं आत्मा की बात को सच नहीं मानता। ठीक है ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है, मगर मेरी खातिर प्लीज एक बार इस खेल को पूरा कर लो। ठीक ठीक है, तुम सवाल पूछो। तुम दोनों कौन हो?
रेखा, ये क्या कह रही है? इसमें तो तुम्हारा और नैना का नाम लिखा है, लेकिन ये कैसे सच हो सकता है? तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? सही तो कह रहे हैं हम दोनों। कौन हो तुम? काफी वक्त हो गया ना, पूरा एक साल। 16 जनवरी 2006 रोजवुड कॉटेज, रात के ठीक 8 बजे तुमने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा मुझे अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने के बाद। और बेचारा संधु, वो भी मुझे पहचान नहीं पाया। यानी तुम मुझे और प्रियंका को जानबूझकर यहां पर लाए हो, और उस संधु को भी तुमने मारकर हमारे पीछे लगा दिया। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। आज तुम आए हो यहां ठीक एक साल के बाद, और यहां तक मैं तुम्हें लेकर आया हूं ताकि तुम अपना गुनाह कबूल कर सको। क्या क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी मौत, वही जो तुमने किया मेरे साथ, मैं करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। प्रियंका कहाँ है? वही जहां तुम थे आज से ठीक एक साल पहले। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो जाओ, जाकर बचाओ। ना तो उसे बचा पाओगे ना ही खुद को। प्रियंका, प्रियंका, दिनेश, प्रियंका तुम ठीक हो ना? मैं यहाँ कैसे आई? ये सब अजीत और नैना की वजह से। चलो तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी बीवी को मिलेगी। नहीं, नहीं। देखो क्या क्या चाहते हो तुम? क्यों हम दोनों के पीछे पड़े? दीपेश सच बोलो। बताओ दीपेश। प्रियंका, यही वो अजीत और रहना है जिनका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट। लेकिन मैं इन दोनों को पहचान नहीं पाया। हम बच सकते थे अगर तुम चाहते तो। तुम चाहते तो मैं हॉस्पिटल ले जाते। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, संधु के साथ मिलकर तुमने हमें इस कॉटेज में फेंक दिया। सजा हमने बहुत पहले दे दी है, और आज तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। बहुत देर कर दी तुमने दीपेश, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। जब तुम्हें नहीं बचोगी तो तुम अपने पति को कैसे बचा पाओगी? तुम्हारे पति की किए की सजा तुम्हें भी भुगतनी होगी, तुम भी मरोगी। हम लोग एक ही जगह से आए हैं, शादी एक ही साल में हुई, और हमारी शादी की सालगिरह वो भी एक ही दिन में पड़ती है। अब बस एक और चीज एक ही दिन में होगी, हमारी डेथ एनिवर्सरी, वो भी एक दिन होगी, 16 जनवरी। संधू,
दीपेश साहब कहाँ चल दिए? Happy birthday anniversary.